हॉलो एंड वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज माइक्रोवेव का फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव। ठीक है, तो देखते हैं कि माइक्रोवेव होता क्या है और इसका किस तरह से आया हमारे लाइफ में और किधर किधर यूज हुआ, वो सारी चीज़ को देखेंगे। मतलब एप्लीकेशंस भी इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद का वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, और सब्जेक्ट तो आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो और सिलेबस एनालिसिस का वीडियो देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को सबसे पहले देखिएगा, तब जाकर के पता चलेगा कि हम लोग इस सिलेबस को किस वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए कोर्स को परचेज करना, वो द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और अब जाकर के वहाँ भी सारे टीचर्स का आपको वीडियो मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो सिलेबस एनालिसिस का, और यूट्यूब पे भी आपका मिल जाएगा। इसके बाद कोई भी लेक्चर्स आपका यूट्यूब पे नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर्स आप लोग को इंट्रोडक्शन लेक्चर्स है, इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक चीज़ें जो माइक्रोवेव का यूज होता है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे जो आगे चल करके हम लोग ट्रांसमिशन में इसको यूज करेंगे और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि माइक्रोवेव होता क्या है। ठीक है, इससे पहले का जो हम लोग का लेक्चर था एनालिसिस का, वहां पे हम थोड़ा सा देखे थे कि क्या होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो लिखा गया यहाँ पे माइक्रोवेव रीजन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और प्यार से लोग बोलते हैं ईएम वेव, पिछले बार भी बताए थे और इस बार भी, और ये चीज अभी नहीं, पूरे माइक्रोवेव में हम ऑलवेज ईएम वेव बोलेंगे। आप लोगों को समझना है ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और स्पेक्ट्रम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अबाउट 1 गीगाहर्ट्ज 200 गीगाहर्ट्ज, और ये एमसीक्यू काफी बोला जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि माइक्रोवेव का रेंज कहां से कहां तक होता है। जितने चीजों को हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, नोट बोलेंगे, वो पॉइंट को ध्यान देना है, वही पॉइंट आपको एमसीक्यू में पूछा भी जाएगा। ठीक है, पहला एमसीक्यू यहीं से बनता है कि माइक्रोवेव से पहला एमसीक्यू बनता है कि माइक्रोवेव का रेंज कहां से कहां तक होता है। तो स्टैंडर्ड नोटेशंस के अनुसार ध्यान दीजिएगा, 1 गीगाहर्ट्ज 200 गीगाहर्ट्ज, कहीं कहीं ज्यादा भी मिल सकता है, कहीं कहीं कम, लेकिन एक स्टैंडर्ड नोटेशन के साथ बता रहे हैं कि ये वैल्यू याद रखिएगा 1 गीगाहर्ट्ज से 100 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, और इसको शॉर्ट में करेंगे 10^11 और 1 गीगाहर्ट्ज 10^9 भी लिखते हैं। ये चीज कहां पे, तो ट्रांसमिशन जब हम बताएंगे वहां पे, जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए पता होना चाहिए मेगा गीगा का वैल्यू क्या होता है, माइक्रो नैनो ये सब का वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आने का आएगा। ठीक है, तो माइक्रोवेव रीजन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम जिसमें फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक लाइज करता है, 1 गीगाहर्ट्ज 200 गीगाहर्ट्ज, और इस रेंज ऑफ माइक्रोवेव रीजन काम करता है। ठीक है, और माइक्रोवेव का मतलब ही आप लोग को हम बता ही चुके हैं कि माइक्रोवेव दो वर्ड से मिलकर के बना है, फर्स्ट जो है माइक्रो, फर्स्ट क्या है माइक्रो, सेकेंड क्या है आपका वेव, तो वही चीज है। माइक्रो का मतलब 10^-6 और वेव का मतलब हो गया ईएम वेव जिसका हम बात कर रहे हैं अभी, ईएम वेव जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं, यानी ईएम वेव का, इसी ईएम वेव का हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है माइक्रोवेव का इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले ये बताना है कि माइक्रोवेव का मतलब क्या होता है, माइक्रोवेव का मतलब बताने के बाद इसका फ्रीक्वेंसी रेंज बताना है, और धीरे धीरे हम इसके अंदर आते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है दिस करस्पोंड टू रेंज ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 30 cm टू 0.3 cm इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में इसका हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और फ्री स्पेस का वैल्यू होता है लेमडा इक्वल टू सी बाई ए। अगर ये वैल्यू हम लोग करते हैं लेमडा इज इक्वल टू सी बाई ए, और सी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, सबको पता होगा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं पता है तो अब क्या ही कहा जा सकता है, पता तो होना चाहिए। क्या होता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सा, 1 गीगाहर्ट्ज वाला या फिर 100 गीगाहर्ट्ज, ये दोनों वैल्यू रखिएगा तो आपको वैल्यू जो निकल करके आएगा वो आएगा 30 cm टू 0.3 cm। अगर यहाँ पे रखते भी है 1 गीगाहर्ट्ज तो 1×10^9, ये 8 से 8 कैंसिल, बच जाएगा 10 और 10 बचेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.3 मीटर पर, ये कैंसिल हो जाएगा सेकेंड से सेकेंड,
तो सिर्फ क्या बचेगा मीटर। तो 0.3 मीटर को आपको चेंज करना सेंटीमीटर में। आपको पता है कि सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 cm आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 cm। तो वही लिखा गया है कि 1 GHz फ्रीक्वेंसी के लिए इसका जो वेवलेंथ प्राप्त होगा वो 30 cm होगा, और 100 GHz फ्रीक्वेंसी के लिए इसका वेवलेंथ 0.3 cm। सोच सकते हैं वेवलेंथ कितना कम हो रहा है। जितना वेवलेंथ कम होगा उतना हाइट ऑफ एंटीना की हम लोग जो बात करते हैं वो भी कम होगा। जब एंटीना माइक्रोवेव एंटीना जब पड़ेगा तो वहां पे पता चलेगा, क्योंकि अगर 0.3 हम लोग देखते हैं कि इसका वेवलेंथ इतना कम हो, फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा है, तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं 100 GHz। अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आए होंगे 50 हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज कम्युनिकेशन में ये सब चीज देखे होंगे। हार्डली आप लोग पढ़े होंगे तो कम्युनिकेशन में मेगा हर्ट्ज पे पढ़े होंगे, लेकिन गीगा हर्ट्ज में नहीं। गीगा हर्ट्ज में यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम भी आपको बताया जाएगा कि कितने कितने फ्रीक्वेंसी पे कौन कौन सा बैंड है, जो आप लोग सेटेलाइट बैंड शायद टेलीविजन में आप लोग पढ़े होंगे, अगर ना भी पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रेंज होता है। अब ये जो वैल्यू निकल करेगा 100 GHz और 1 GHz, इसके करस्पॉन्ड में वेवलेंथ निकाला गया। ये अपना मन से याद नहीं करना, इसको निकाला गया है, और ये 4 मार्क्स में पूछता है अक्सर एग्जाम में। क्या देगा? फ्रीक्वेंसी दे देगा और बोलेगा कि इसका वेवलेंथ क्या होगा। कभी कभी वेवलेंथ दे देगा और बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, बाकी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद लिखा था फ्री स्पेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मीडियम पैरामीटर एज। फ्री स्पेस का कुछ जो वैल्यू होता है वो आपको वैल्यू हम आपको बताते हैं कि क्या क्या वैल्यू होता है। ठीक है, तो कुछ नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन, जो आगे चल करके काफी इंपॉर्टेंट होगा। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको काफी यूज होगा इस वैल्यू का। अगर ये वैल्यू आपको नहीं याद रहेगा तो समझिए कि बहुत सा न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और जो वैल्यू लिखे है ये चीज ध्यान से देखिए क्या क्या का वैल्यू लिखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू में सबसे पहले लिखा गया परमिटिविटी, जिसको यहाँ पे ऑप्शन नोट से नोट किया गया। इसका वैल्यू होता है 10^19 बाय 36 पाई होता है। इसका कैलकुलेशन मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा ही। इसका वैल्यू अगर रखेगा तो आएगा 8.854 × 10^-12। क्या आएगा? 10^-12 आएगा। तो ये वैल्यू आप लोग रखिएगा कैलकुलेटर में, आपका ये वैल्यू आ जाएगा। और परमिटिविटी का जो यूनिट होगा फैराडे पर मीटर, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए कि यूनिट को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद परमिबिलिटी में यूनिट स्टूडेंट क्या गया है, इसका वैल्यू होता है 4π × 10^-7 हेनरी पर मीटर। ये भी वैल्यू आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंडक्टिविटी, ये सब जितना भी बता रहे हैं याद रखना सब फ्री स्पेस के लिए है। सब क्या है? फ्री स्पेस। स्पेस में कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं होगा तब की ये वैल्यू है। जब मीडियम आ जाएगा तो वहां पे इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, वो आगे चल करके हम बहुत सारा चीज बताएंगे कि कहाँ पे कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये सब फ्री स्पेस की बात किया जा रहा है। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट वो फ्री स्पेस में होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कंडक्टिविटी 10^-4 साइमन पर मीटर। साइमन यहाँ पे कंडक्टिविटी का आपका क्या है, यूनिट है। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं आप लोग ओम पर मीटर भी बोलते हैं तो साइमन ही बोला जाता है ओम का। ठीक है, तो सर यूनिट पे फोकस कीजिएगा। उसके बाद ये बीवीआई है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि इंट्रेंसिक इंपेडेंस का वैल्यू क्या होता है। अक्सर लोग रखते हैं इसको, याद करते हैं। अगर कोई पूछा कि वैल्यू किधर से आया तो हो सकता है वहां पे वो मिस कर जाए बताने में। ठीक है, तो इंट्रेंसिक इंपेडेंस का जो वैल्यू निकलता है, इसको इट्टा नोट से हम डिनोट किए हैं। यहाँ पे इट्टा नोट सब में लगा गया, इसलिए है ये डिनोट कर रहा है कि ये फ्री स्पेस की बात किया जा रहा है। ठीक है, अक्सर कभी कभी देखने को मिलता है कि इट्टा से भी नोट किया जाता है इंट्रेंसिक इंपेडेंस को, हम इट्टा नोट से नोट किए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे म्यूनिट अपॉन अप्सला नोट की बात किया जा रहा है। हम म्यूनिट का वैल्यू आपको बता चुके हैं कहाँ पे है। म्यूनिट का वैल्यू 4π × 10^-7 हेनरी पर मीटर, और यहाँ पे अप्सला नोट का वैल्यू आपको बता चुके हैं 10^-19/36 पाई, या फिर 8.854 × 10^-12 फैराड पर मीटर। और इन दोनों को वैल्यू अगर रखिएगा तो वैल्यू निकल के आएगा 120 पाई। अगर पाई का वैल्यू आप नहीं पुट करते हैं तो, अगर पाई का वैल्यू पुट करते हैं 22/7 या 3.14, तो ये वैल्यू निकल करके आता है 377 ओम। तो याद रखिएगा कि इंट्रेंसिक इंपेडेंस इन फ्री स्पेस का जो वैल्यू होता है वो होता है 120 पाई होता है, या फिर
377 ओम अप्रोक्स में लिखा जाता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू इसका होता है 176.73 ओम होता है, ठीक है याद रखिएगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 176.73 ओम होता है और इसका वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट निकल करके आता है 377 ओम आता है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ये आपका पूरा वैल्यू दिया गया है और ये 120 पाई इसका वैल्यू होता है। तो एग्जाम में कैसे देगा कि वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक इंपेडेंस इन फ्री स्पेस ऑप्शन नंबर ए में देगा, ऑप्शन नंबर ए में देगा 120 पाई, बी में कुछ और दे देगा 120 ओम दे देगा, ठीक है सी में आपको देगा 377 ओम दे देगा, सब ओम दिया हुआ रहेगा और डी में रहेगा बोथ ए एंड बी, इस तरह से बोथ ए एंड सी, सॉरी बोथ ए एंड सी। तो ये मत देखिएगा कि ये ऑप्शन में 120 पाई है, याद है तो याद है, कभी ऑप्शन में ये चेंज करेगा पता है कि ये में दे देगा 377 ओम दे देगा और यहाँ पे सी में 120 पाई, तो आप एक वैल्यू याद रखिएगा तो हो सकता है मिस्टेक आपसे हो जाए, मिस्टेक हो जाएगा एक बार तो फिर सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, तो अभी सुधार लीजिए कि इंट्रिंसिक इंपेडेंस का दो वैल्यू एक्चुअल में दो वैल्यू नहीं होते, एक ही वैल्यू होता है लेकिन इसका यहाँ पे पूछने का तरीका बदल लेता है, कभी कभी 120 पाई ऑप्शन में रहेगा, कभी कभी 377 ओम रहेगा, कभी कभी दोनों रहेगा, तो दोनों रहेगा तब दिक्कत होगा, ठीक है तो ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक लोग करते हैं, 120 ओम देता है, सब लोग 120 माइंड में रहते हैं तो लगता है कि चलो 120 ही होगा, तो ये दिक्कत आता है, 377 ओम में किसी को दिक्कत नहीं होता, कंफ्यूज 120 पाई और 120 ओम में होता है, तो 120 पाई ओम रहेगा वो सही है, 120 ओम रहेगा वो गलत है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस का एक्चुअल वैल्यू होता है 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू लिखा जाता है वही लिखा जाता है 3 × 10⁸, क्योंकि ये जो वैल्यू है नियरली इक्वल टू 3 है, इसका प्रैक्टिकल वैल्यू यहाँ पे आपको ये होता है 2.9979 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसे का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है माइक्रोवेव में आपको यूज होगा और ये सब चीज आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो चलिए इतना चीज हो गया, अब इसका आगे और हम लोग बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कि ये ईएम वेव, तो उसका हम सोचे कि एक आपको बता दिया जाए कि ईएम वेव यहाँ पे कैसा होते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कहता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ऑसिलेशन दैट प्रोपगेट थ्रू फ्री स्पेस इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये ट्रांसवर्स इन नेचर ऑसिलेशन आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ये चीज तब समझ में आएगा जब हम लोग इसका प्रोपगेशन करवाएंगे, वहां पे आपको बहुत अच्छे से ये वर्ड समझ में आएगा, यानी कह ये वर्ड ये रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ऑसिलेशंस दैट प्रोपगेट थ्रू फ्री स्पेस, दैट प्रोपगेट थ्रू फ्री स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर कोई कहता है कि विदाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी सिग्नल को या किसी ईएम वेव को प्रोपगेट कर दिया जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो उसको हमको प्रोपगेट करवाना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट के थ्रू, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के थ्रू, या इसको हम क्या करेंगे प्रोपगेट करवाएं कहां पे, तो फ्री स्पेस में और किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, तो इसको ऑसिलेशन हम लोग करवाते हैं, जो भी सिग्नल होता है, मान लीजिए कोई सिग्नल है तो ये सिग्नल ऑसिलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और एक कहता है ट्रांसवर्स नेचर, ये नेचर के किसी भी एरिया में इसको हम ट्रांसवर्स करवा सकते हैं, ट्रांसवर्स आपको वर्ड मिलेगा आगे चल करके पढ़ने के लिए, परपेंडिकुलर मिलेगा और एक आप वर्ड मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा मिलेगा ट्रांसवर्स, तो ये सब वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोवेव में, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स नेचर ऑसिलेशन आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होगा, जिधर अगर हमें चाहिए कि इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करवाना है तो इस डायरेक्शन में करवाएंगे, अगर हमको लगता है इस डायरेक्शन में करवाने का हो सकता है इसमें, अगर किसी को लगता है इस डायरेक्शन में, तो हम भी ये नहीं पता कि किधर करवाएंगे, जिधर जरूरत होगा उस डायरेक्शन में इसको प्रोपगेट करवा देंगे, ठीक है, जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में हम करवा सकते हैं, यहाँ पे जनरली बेसिकली एक्स वाई और जेड डायरेक्शन माना जाता है, तो हम लोग भी इसी को मानते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड बुक भी इसी को फॉलो करता है, तो हम लोग बुक से बड़ा तो है नहीं, ठीक है, तो वही हम लोग करेंगे, कहीं कहीं मिलेगा वाई डायरेक्शन में प्रोपगेट करवाना है, कहीं जेड डायरेक्शन में और कहीं एक्स डायरेक्शन में, तीनों क्या होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, अगर इसको एक्चुअल में हम लोग देखें तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, कैसे होता है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको
किस तरीका से मिलेगा, देखिए ठीक है। अब आगे चल करके ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये आपका जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड अगर तीनों को हम देखें तो तीनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसी पे हम लोग यहाँ पे वेव गाइड को रखेंगे, जिस चीज को रखना होगा वहां पे रखने के, उसके बाद इसको प्रोग्रेट करवाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा हम बताएंगे आपको डीपली में, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि माइक्रोवेव आया कब, तो माइक्रोवेव आया कब, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब इसका ज्यादा जरूरत पड़ा, उससे पहले ऐसा नहीं था, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं होता था, होता था, ठीक है। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी हाई नहीं था उस टाइम, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम था, तो हम उसको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है। इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा कुछ हम बता चुके हैं। तो उस टाइम हुआ क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट है, और हमें जैसे अभी क्या है, अभी के दौर में कहीं पे हो रहा है वार, हो रहा है कहीं पे, तो हम घर बैठे देख लेते हैं बहुत अच्छे से, कहाँ पे कौन बैठा हुआ है, किधर बम गिर रहा है, किधर क्या हो रहा है, हर एक चीज, किधर तलवार चल रहा है, किधर से लोग ज्यादा आ रहे हैं, किधर कम जा रहा है, कितना लोग मर रहा है, कितना लोग नहीं मर रहा है, कितना लोग घायल है, हर एक चीज हम लोग देख पाते हैं, कितना घर ध्वस्त हो गया, मतलब हर एक चीज हम लोग घर बैठे टीवी पे देख लेते हैं। कभी हमने सोचा है कि ये चीज देख कैसे रहे, नहीं सोचे है, तो अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ ये सब चीजों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग बहुत एसेंशियल हो चुका था, किस लिए, तो हम लोग कंसिडर, हम लोग ऐसा कह रहे थे कि हाई रेजुलेशन सभी लेवल वहां पे नहीं था, रडार तो था, रडार आपको पढ़ना है, वो बताएंगे रडार क्या होता है, ठीक है। तो रडार था लेकिन हाई रेजुलेशन से हम नहीं आ पाता, हाई रेजुलेशन नहीं आने के कारण हम किसी को पहचान नहीं पाते हैं, जैसे कि हम और आप हमें देख रहे हैं YouTube पे हो या एप्लीकेशन पे हो, हर एक जगह उसका रेजुलेशन अगर 144 कर दिया जाए तो आप सब देखते होंगे कि झिलमिल झिलमिल आता रहता है, पूरा क्लियर लिखा हुआ या फिर सब नहीं पता चलता। उसके लिए हम लोग 360, 720, 1080 जो भी होता है उसको करते हैं क्लियर विजुअल के लिए। तो वही चीज वहां पे भी था कि हाई रेजुलेशन नहीं था, ठीक है। रडार जो डिटेक्ट करना चाहता था वो अच्छे से डिटेक्ट कर भी ले रहा था, लेकिन पहचान नहीं पा रहा था कि ये चीज है क्या, ठीक है। और ना लोकेटिंग इनेमी कोई दुश्मन को पता पड़ा था, प्लेन जो भी प्लेन है, एरोप्लेन है या फिर हम लोग बोट वगैरह जो नदी में समुन्द्र में जो चलता है उसको भी नहीं देख पा रहे थे, जिसका सीप भी लिखा हुआ, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। इसका कारण क्या था कि थ्रू नैरो बीम ईएम एनर्जी, इसके कारण से, क्योंकि वहां पर फ्रिक्वेंसी बहुत कम था। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो सब देखने को मिला, ठीक है। और सच बीम टू बी अचीव्ड बाय पैराबोलिक एंटीना, क्योंकि विदाउट एंटीना तो हम ना कोई भी ईएम वेव को ट्रांसमिट कर सकते हैं और ना ही रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि एंटीना का हम उसी के लिए यूज करते हैं कि एंटीना क्या करता है, किसी भी ईएम सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है और किसी भी ईएम सिग्नल को रिसीव करने में हेल्प करता है। तो इसके बिना हम लोग ये कर नहीं पा रहे थे। जब ये पाया तो हम लोग पैराबोलिक एंटीना, इससे पहले और भी एंटीना यूज होता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एंटीना बहुत सारा है, माइक्रोवेव एंटीना में होन एंटीना, स्लॉट एंटीना, तो ये सब चीजों को आप लोग ध्यान देना, माइक्रोस्ट्रिप, फनास्ट्रिप, बहुत सारे है, ठीक है। लेकिन जो एंटीना से हम लोग को ये सब चीज जो प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ किसे, तब पैराबोलिक एंटीना से, और ये इंपॉर्टेंट होगा। जहां पे हम लोग माइक्रोवेव एंटीना की बात करते हैं वहां पे पैराबोलिक एंटीना आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजों को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता हुआ। जब हाई फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता हुआ तब हम ये सब चीज सोचना शुरू कर दिए कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। ये तो बहुत इजी वे में लिख दिया, जब हम लोग हिस्ट्रीज का देखेंगे तब वहां पे पता चलेगा आपको पूरा अच्छे से कि कौन आया, कैसे आया, क्या सोच करके आए। कुछ लोग प्रिडिक्शन किए और मर गए, चले गए इस दुनिया से, लेकिन अपना प्रिडिक्शन जमा कर दिए। कुछ आए हैं साइंटिस्ट, उनको उन प्रिडिक्शन जो किए थे उनको पढ़े, पूरा थ्योरी पढ़े, उसके बाद अपना थॉट दिए। इस तरह से धीरे 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 इस माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में का फील्ड जो होगा बढ़ता चला गया, और अभी के दौरान ऐसा हो चुका है कि फिर इसके बिना अभी कुछ संभव ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके बाद जो लिखा गया पॉइंट है उसको ध्यान से अगर आप लोग पढ़िएगा तब पता चलेगा कि माइक्रोवेव बैंड इज कैपेबल टू मेकिंग इकोनॉमिक्स
ट्रांसमिशन ऑफ ए लार्ज नंबर कम्युनिकेशन चैनल टीवी प्रोग्राम सिंगल माइक्रोवेव कैरियर ट्रांसमिटिंग देम ओवर एंड वन कम्युनिकेशन लिंक। यानी इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे इसका इतना वाइड रेंज में यूज होने लगा कि लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल और टीवी प्रोग्राम इन ए सिंगल माइक्रोवेव कैरियर, यानी एक सिंगल माइक्रोवेव कैरियर की बात कर रहा है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा अलग अलग सबके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारा ऐसा कम्युनिकेशन चैनल है या टीवी प्रोग्राम चैनल है जो कि सिंगल माइक्रोवेव ट्रांसमिटिंग देन ओवर वन कम्युनिकेशन लिंक, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन लिंक की बात कर रहा है जिसमें ट्रांसमिट किया जाता है और इसको ना जाने कितने चैनल पे देखा जाता है। बहुत सारे टीवी चैनल या कम्युनिकेशन चैनल हो या टीवी प्रोग्राम चैनल हो, उस पर आप इसको देखने को मदद मिलता है। जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी चैनल कितना है, अगर यहाँ के पीएम अगर किसी जगह पे क्या कर रहे हैं स्पीच दे रहे होंगे, तो आप अगर टीवी ओपन करते होंगे तो वही स्पीच कितने जगह आता है, बहुत सारा चैनल पे। और चैनल के तो अभी पता नहीं है कितना ज़्यादा है चैनल, अभी पता है कितना, मतलब अनगिनत है। जैसे लार्ज नंबर लिख दिया गया है यहाँ पे, उस तरह से अब हम लोग देख पाते हैं कि एक काम को कितने जगह दिखाया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो लार्ज नंबर आप हो सकता है, लेकिन सिंगल माइक्रोवेव कैरियर, उसके माइक्रोवेव कैरियर में कोई चेंज नहीं होता है। वो जो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता, सबका अलग अलग अपना वही रेंज का फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होता है। क्योंकि जितने भी चैनल होते हैं सबका एक बैंडविड्थ होता है, उस बैंडविड्थ पे अपने अपना सब क्या करते हैं कि उसको ये प्रोपगेट करते हैं, उसको हम लोग देख पाते हैं आसानी से। ठीक है, ये चीज आपको बताया जा रहा है। दूसरा क्या है कि मोर रिसेंट ईयर माइक्रोवेव बीइंग वाइडली यूज्ड डोमेस्टिक माइक्रोवेव ओवन, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर से हम बात किए थे। ठीक है, तो यानी मोर रिसेंट ईयर का मतलब क्या होता है, अभी के दौरान, यानी जो लेटेस्ट अगर बात किया जाए 10-15 साल पहले से लेकर के अभी तक, इसमें क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक माइक्रोवेव ओवन का यूज हो रहा है रैपिड, मतलब बहुत तेजी से। किसके लिए, तो कुकिंग पर्पस से। हम लोग बहुत ज्यादा इंडक्शन का यूज कर रहे हैं, है ना, हर घर में लगभग मिल जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, मेडिकल में यूज हो रहा है, फॉर माइक्रोवेव हीटिंग के लिए। बहुत सारे चीज जो होता है हीटिंग पर्पस से होता है, मेडिकल में बहुत सारे चीज को हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। जो हीटिंग के लिए जितना भी चीजें हम यूज करते हैं वो सब का सब कहीं ना कहीं माइक्रोवेव से रिलेटेड है, उसका फ्रिक्वेंसी काफी हाई होता है, हर एक जगह हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और चाहे इंडस्ट्रियल में चले जाएं, चाहे मेडिकल पर्पस में चले जाएं, या फिर हम लोग घर में की जो कुकिंग के लिए यूज करते हैं, वो हर एक जगह इसका यूज हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं ना जाने कितने जगह अभी यूज हो रहा है, अब इसके बिना संभव बहुत कम चीजें नजर आती है। ठीक है, उसके बाद और भी पॉइंट आपको लिखा गया है कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन फॉर प्रोपगेशन ऑफ पीएम कंसिस्टिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मीडियम। यानी जब किसी भी सिग्नल को प्रोपगेट करते हैं तो सिग्नल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो कुछ मीडियम होता है जिसके थ्रू हम काम करवा पाते हैं, ये सब देखने को आपको मिलेगा। जहां पे ट्रांसमिशन के पार्ट होगा वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर जहां पे आप पावर डिवाइडर करेंगे, करेंट और वोल्टेज जो यहाँ पे होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड माइक्रोवेव में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जो वोल्टेज होता है वो मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में, और करंट जो मिलेगा आपको मैग्नेटिक फॉर्म के हेल्प मिलेगा। यहाँ पे करंट और वोल्टेज का रिलेशन इसी से होता है। ठीक है, द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोवेव स्टडी इंजीनियर टू डेवलप टेक्निक फॉर माइक्रोवेव गाइडेड स्ट्रक्चर्स। अब क्या होगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो इसे आप प्रोपगेट करवा लेंगे? नहीं, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंजीनियर्स ने सोचा, समझा और उसके बाद कुछ गाइडेड स्ट्रक्चर्स बनाया। वो गाइडेड स्ट्रक्चर्स क्या होगा, जो वेव को गाइड करता हो, वेव को गाइड करता हो, उसको वैसा स्ट्रक्चर्स ही बनाया गया जो कोई कोई ईएम वेव को गाइड कर सके। जैसे कि कोई ईएम वेव को ट्रांसमिट करवाना है, उसका एक स्ट्रक्चर्स बना दिया ताकि उसका लॉसेस जो होता है वो कम हो सके, और लॉसेस कम होने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनाया उसी को नाम यहाँ पे दे दिया गया, उसी का नाम दे दिया वेव गाइड। इसको ब्रेक करेगा तो वेव और प्लस गाइड, यानी वेव को गाइड करना है तो इसको नाम क्या रखा जाए भाई, इंजीनियर्स ने भी सोचा कि क्या रखा जाए, डेवलप तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर्स बना लिए, कोई भी मतलब किसी भी चीज को, जैसा कि यहाँ पे एक ये चीज रखा हो, ये रिमोट है। ठीक है, अब इसको लोग बनाया होगा तो रिमोट नाम काहे रखा, कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी सोचा कि अब स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं और वेव को ये क्या करता है, गाइड करता है, इसका नाम क्या रखा जाए। तो सबसे सिंपल क्या हुआ,
चलो जो चीज का काम करता है उसी को नाम रख दो। इसे रिमोट आपको बोले तब तुरंत समझ जाते होंगे कि रिमोट से खाना नहीं बनाया जाता है, उसे कुछ काम किया जाता है, यानी कुछ से सिग्नल दिया जाता है। उसी तरीके से यहां भी हम बोलेंगे तो यहाँ भी क्या सोचा, जो काम है उसी को नाम रख दो। गांव में भी देखते होंगे ना आप लोग कि जो जैसा बचपन में काम करता है उसी तरह से उसका नाम भी रख दिया जाता है। तो वही चीज यहाँ भी है कि काम कर रहा था बेब को गाइड करना, उसी को नाम रख दिया यहाँ पे बेब गाइड। और ये बेब गाइड इतना फेमस हो गया कि अभी के टाइम में भी इसका यूज हो रहा है। इससे पहले कोएक्सियल लाइन था, इसके पहले क्या था, कोएक्सियल लाइन, इसमें थोड़ा लॉसेस थे लेकिन बेब गाइड में लॉसेस क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ, रीजन क्या था वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव सोर्स कुछ चीज हुआ कि बिना सोर्स, माइक्रोवेव सोर्स का मतलब होता है एक्टिव डिवाइसेस, माइक्रोवेव सोर्स का मतलब होता है एक्टिव डिवाइसेस, याद रखिएगा। सोर्स आप लोग पढ़े होंगे कहाँ पे, तो बेसिक आपको थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। वहां पे हम लोग ये देखते हैं कि जिसके पास कुछ अपना सोर्स होता है, जैसा ट्रांजिस्टर होता है, अपना सोर्स है तो उसको एक्टिव डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। वो कैपेबल हो सके कि करंट फ्लो करवा सके, ठीक है। एनर्जी सोर्स आप लोग ने पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इस तरह का, करेंट सोर्स पढ़ा होगा, वोल्टेज सोर्स पढ़ा होगा, तो ये सब चीजें आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो वही चीज है कि कुछ सोर्स हुआ जस्ट लाइक क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, इसको प्यार से TWT, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, माइक्रोवेव डायोड और माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर, ये सब क्या है, इसका सोर्स हुआ। क्या हुआ, सोर्स हुआ। ये जो पूरा लिखा गया क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, ये सब क्या है शायद किसी को नहीं पता होगा अभी। ये पता है क्या, ये माइक्रोवेव ट्यूब आप लोग देखिएगा सिलेबस में तो एक ट्यूब लिखा होगा, माइक्रोवेव ट्यूब, माइक्रोवेव ट्यूब, माइक्रोवेव डायोड, माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर, ठीक है। यूनिट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, वहां पे देखिएगा, वहां पे देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हम बताए थे कि यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, एप्लीकेशंस के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं, एक्टिव और पैसिव डिवाइसेस। रीजन यही है कि हम लोग एक चीज को लिंक बना के पढ़ेंगे, ना कि अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। जब यहां पढ़े तो उसके बाद ये पढ़ेंगे। तो ये है एक्टिव डिवाइसेस, सोर्स का मतलब क्या, एक्टिव डिवाइसेस। एक्टिव डिवाइस में 3 पढ़ना है आप लोगों को, पहला पढ़ना है माइक्रोवेव डायोड, दूसरा ट्रांजिस्टर और तीसरा पढ़ना है ट्यूब, वो चीज होगा। तो ये इसके हेल्प से, अब ये तो सोर्स आ गया तो कंपोनेंट चाहिए कि किस कंपोनेंट को यूज करेंगे आगे हमको प्रोपगेट करवाने के लिए। तो कंपोनेंट आपका है पैसिव डिवाइसेस, जैसे कि हम लोग वहां पे RLC पढ़ते हैं, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, एक्चुअल में उसी का कुछ यूज करते हैं हम लोग यहाँ भी, ठीक है। तो कुछ अदर सर्किट कंपोनेंट जैसा कि एटोनेटर, डायरेक्शनल कपलर आप लोग पढ़ेंगे, डिटेक्टर, मिक्सर, रेजोनेटर, पावर डिवाइडर, पावर डिवाइडर में वेवगाइड टीज पढ़ना होगा, या फिर टीज जंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीज जंक्शन, टी जंक्शन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, पावर डिवाइडर आपके सिलेबस में था तो हम भी सोचे कि पावर डिवाइडर यहाँ लिख दे, ताकि आपको भी लगे कि सिलेबस में जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है, सर भी वही चीज बता रहे हैं। तो पावर डिवाइडर, इसके पावर डिवाइडर में हम लोग देखेंगे मैजिक टी, ई प्लेंटी, एच प्लेंटी, जिसको हम लोग वेवगाइड जंक्शन ही बोलते हैं, या यहाँ पे टी जंक्शन ही बोला जाता है, या वेवगाइड टीज भी हम लोग बोल सकते हैं। ये सारे चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब कंपोनेंट है, ये सोर्स हुआ और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना दिया गया। अब इन तीनों का यूज करेंगे किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए। तो पहले इन सारी चीज को तो पढ़ लें, जब इन सारे चीजों को हम लोग पढ़ लेंगे तो ट्रांसमिशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी तो हो जाएगा ना। इसीलिए मैथमेटिकल मॉडल जो दिया गया है, हम लोग पहले सारे डिवाइसेस को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन पे चलेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और पॉइंट होंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। तो कुछ और पॉइंट नहीं है, कुछ और पॉइंट अब नहीं है, इतना था माइक्रोवेव इंट्रोडक्शन में। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव डिवाइसेस का, या थोड़ा सा बात करते हैं माइक्रोवेव डिवाइसेस का, वो कितने टाइप का होता है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, माइक्रोवेव डिवाइसेस, माइक्रोवेव डिवाइसेस जो होता है दो टाइप का होता है। कितने टाइप बाबू, दो टाइप का होता है। कौन कौन होता है, तो एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। ये यूनिट 2 यहीं से आपका स्टार्ट होता है, यूनिट 2 यहीं से क्या होता है, स्टार्ट होता है आपका। तो पहला क्या होता है, एक्टिव डिवाइसेस, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पैसिव डिवाइसेस, यही दो आप लोग को पढ़ना है। एक्टिव डिवाइसेस में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारा चीज आ जाता है, ठीक है। इसमें शॉर्ट में अगर हम लोग देखें यहां पे तो क्या क्या आता है,
ठीक है, सबसे पहले माइक्रोवेव ट्यूब आता है। क्या आता है? माइक्रोवेव, देखिए माइक्रो लिखा हुआ है, वेव लिखा हुआ है, समझिएगा आप लोग, माइक्रोवेव ट्यूब। दूसरा अगर बात करें तो माइक्रोवेव डायोड, और तीसरा अगर बात करें तो माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर। ये आपको इतना पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, इतना यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। माइक्रोवेव ट्यूब में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो माइक्रोवेव ट्यूब सबसे पहले क्लेस्ट्रॉन देखेंगे, ठीक है, और टाइप ऑफ क्लेस्ट्रॉन देखेंगे, ठीक है। दूसरा इसके अंतर्गत हम लोग देख ले TWT क्या होता है, ये देखेंगे, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। और तीसरा इसमें हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेट्रॉन। क्या देखने वाले हैं बाबू? मैग्नेट्रॉन, ठीक है। इसको आराम से आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। माइक्रोवेव ट्यूब में बहुत सारे माइक्रोवेव ट्यूब है, तो कौन कौन ट्यूब को सर हम लोग देखेंगे ये बताइए? तो हम लोग देखेंगे कौन कौन ट्यूब को, तो यहाँ पे आपको बता दे, कुछ गान डायोड को देखने वाले हैं, क्योंकि बताया नहीं है कितने ट्यूब को हम लोग देखने वाले हैं। तो गान डायोड हो गया, कुछ और देख लेंगे, भरेक्टर डायोड, टनल डायोड देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टनल डायोड। और चौथा अगर देखे तो इम्पैक्ट डायोड देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा देख सकते हैं इम्पैक्ट डायोड, तो ये सब बेसिक है, ये देखेंगे। माइक्रो ट्रांजिस्टर में क्या देखेंगे? तो पहला एनपीएन हम लोग देख सकते हैं, और दूसरा पीएनपी देख सकते हैं, एनपीएन और पीएनपी आप लोग देख सकते हैं ट्रांजिस्टर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पैसिव डिवाइसेस का, कि पैसिव डिवाइसेस में कौन कौन है, तो पैसिव डिवाइसेस में जितना भी आता है वो चीजें आपको बता रहा है। सबसे पहले डायरेक्शनल कपलर, डायरेक्शनल कपलर, ठीक है। और उसके बाद जितना भी वेवगाइड टी है वो सारा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको सिलेबस में दिया गया सारा लिख लीजिए, जो नेटर, ठीक है, और भी अगर देखी जाए तो एटोनेटर, ठीक है, एंटीना जो भी आता है पैसिव डिवाइसेस के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। एंटीना भी आता है आपको पैसिव डिवाइसेस के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। आगे इसमें अगर हम लोग और देखना भी चाहे तो और क्या हो सकता है, कि ये इसमें फेज शिफ्टर आता है और लिमिटर, तो सर सिलेबस हमको नहीं, इसलिए वो चीज आपको नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। और इसमें अगर लिखना चाहिए पैसिव डिवाइसेस में तो और लिख सकते हैं वेव गाइड, ये जो उधर है ये भी कहा था, जितना भी ये सब चीजें हम लोग देखे वो सब यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वेव गाइड भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सर्कुलेटर, बहुत सारी चीज होता है, आइसोलेटर, सर्कुलेटर, ये सब सारी चीज, तो उतना चीज हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो एक्टिव डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सब माइक्रोवेव डिवाइसेस आता है, इसके पहले हम एक्टिव डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे। एक्टिव डिवाइसेस में सबसे पहले देखेंगे माइक्रोवेव ट्यूब को, कि ये क्या होता है। इसमें हम लोग लिमिटेशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी पहले पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, लिमिटेशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी का लिमिटेशंस देखेंगे कि सब हाई फ्रीक्वेंसी पे काम क्यों करना बंद कर दिया, उसके बाद उसका सॉल्यूशंस क्या हुआ, सारी चीज को यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्लेस्ट्रॉन, टाइप ऑफ क्लेस्ट्रॉन दो तरह का होता है, 2 cavity और 1 cavity, TW2 T1 पेनिक्रॉन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, इसका एक और नाम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी नाम है। अगर हम लोग माइक्रोवेव डायोड का एक और नाम बताएं तो इसका नाम है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी जो होता है वो भी आपको डिफरेंट टाइप से मिल जाएगा। जैसे गन डायोड के लिए सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ये अलग मैकेनिज्म या अलग प्रिंसिपल पे ये काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डिवाइस, यानी TED प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है। तो बाकी ये चीज अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसमें से गन डायोड एक दो हम लोग पढ़ लेंगे, या फिर देखेंगे तो पूरा का पूरा लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रो ट्रांजिस्टर, एनपीएन, पीएनपी, एक ट्रांजिस्टर यहां से हमको एक बता देंगे, दूसरा आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना आपका यहाँ पे है। एक्टिव डिवाइस पढ़ने के बाद पढ़ेंगे फिर पैसिव डिवाइस में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शनल कपलर नहीं, वेवगाइड ट्यूब पढ़ेंगे। वेवगाइड ट्यूब पढ़ने के बाद हम डायरेक्शनल कपलर को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद रेजोनेटर, एटोनेटर जो भी है इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना चीजें हैं जो हम लोग को पढ़ना है। वेवगाइड सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन वेवगाइड हम लोग पढ़ेंगे। कोएक्सियल केबल नहीं दिया, कोएक्सियल केबल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना भी बेसिक चीजें हैं वो आपको सारा कुछ यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशंस में हम लोग चलेंगे, कि एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो एप्लीकेशंस इसका देख लेते हैं, एप्लीकेशंस इसका क्या क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है।
उसके बाद एप्लीकेशन देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइज होता है। तो एप्लीकेशन बहुत सारे जगह इसका यूज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन अगर हम लोग बात करें कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बहुत जगह इसका क्या होता है एप्लीकेशन का यूज होता है। पहला कम्युनिकेशन सेक्टर में, दूसरा अगर बात करें रडार सेक्टर में, तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और चौथा अगर यूज करेंगे तो हीटिंग पर्पस में, ठीक है। तो अब चाहे तो इसको चार जगह डिवाइड कर सकते हैं, कि अगर कोई पूछे कि कहाँ कहाँ यूज होता है तो इसको आप चार जगह डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बोले कम्युनिकेशन सेक्टर में, तो पहला क्या होगा कम्युनिकेशन सेक्टर होगा, क्या होगा कम्युनिकेशन सेक्टर। दूसरा क्या बोले रडार सेक्टर, तो रडार सेक्टर में यूज होगा, ठीक है। तीसरा क्या बोले, तीसरा इंडस्ट्रियल बोले, तो तीसरा क्या होगा इंडस्ट्रियल, तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर बायोमेडिकल सेक्टर भी इसी के अंतर्गत रख सकते हैं। और चौथा आप लोग को क्या बताया हीटिंग पर्पस से, तो हीटिंग पर्पस से आपका यहाँ पे क्या होगा यूज होगा। इसके अंतर्गत चाहे तो चार एप्लीकेशन ऐसे ही, अगर कोई चाहे कम्युनिकेशन सेक्टर में, तो इसके अंतर्गत भी अगर हम चाहे तो बहुत सारे को लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग चाहे तो बहुत सारे का नाम भी लिख सकते हैं कि सर इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो हम लोग अगर कम्युनिकेशन का यूज करना है तो सबसे पहले मोबाइल कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, सेटेलाइट, तो ये सब लिख सकते हैं कि हम लोग यूज अगर करें तो सेटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। दूसरा मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा अगर बात करें तो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है कम्युनिकेशन सेक्टर में, तो आप एप्लीकेशन अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। रडार का दो जगह यूज कर सकते हैं, पहला इसको सिविलियन पर्पज से, जो कि हम लोग मतलब सिविल क्या होगा यानी सिविल हम लोग जो सिविलियन पर्पज से जहाँ पे जो भी जनता के लिए यूज किया जाता है वहां पे रडार लगाया जाएगा। जैसा कि कोई बड़े नेता या बड़े लेवल का कोई अधिकारी अगर आते हैं हमारे एरिया में, तो यानी तो उसको रडार के हिसाब से देखा जाता है कि ये जो जा रहे हैं किस एरिया में जा रहे हैं, उसको पहले डिटेक्ट कर लिया जाता है, बता दिया जाता है कि एरिया कैसा है, किस तरह का है, उस तरह से। दूसरा इसको हम लोग मिलिट्री पर्पज से यूज कर सकते हैं, क्या दूसरा इसको मिलिट्री पर्पज से हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। इसमें भी बहुत जगह हम लोग यूज कर सकते हैं सिविलियन पर्पस कहाँ कहाँ, तो सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जहाँ पे हेलीकॉप्टर की देखते हैं, एरोप्लेन देखते हैं, वहाँ पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। एरोक्राफ्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये सब चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं। शिप के लिए यूज कर सकते हैं, तो और भी चीज बहुत सारे हो सकता है, ठीक है। मिलिट्री पर्पज से क्या हो सकता है, तो मिलिट्री पर्पज के बहुत सारे क्या होते हैं कि क्या बोल सकते हैं बनाया हुआ रहता है, जैसा कि मिलिट्री पर्पस में क्या क्या बना हुआ हो सकता है, वेपन, वेपन मतलब क्या होता है हथियार, बहुत बड़ा बड़ा हथियार होता है मिलिट्री के पास, इसका सुरक्षा कौन करता है, कितने लोग को बैठाया हुआ है, कौन आदमी किधर से आ रहा है, तो रडार से देखा जाता है। उसके रडार के एक रेंज दे दिया जाता है कि 5 किलोमीटर के अंतर्गत में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो रडार तुरंत उसको डिटेक्ट करके बता देगा कि कोई आदमी जो है इन किया है। जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे क्या रहता है रडार लगाए रहते हैं। एक एरोप्लेन भी अगर आ रहा है पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की तरफ, तो तुरंत पता चलता है कि एक बॉर्डर से अगर इधर आया तुरंत पता चल जाएगा कि कोई हेलीकॉप्टर जो इधर आ किधर से आया, तो पाकिस्तान की तरफ से आया, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। क्या कितने व्यक्ति कितने लोग वहां पे ध्यान देंगे, कैसे पहचानेंगे, तो ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के आधार से हम लोग क्या यूज करते हैं, इसका रीजन क्या है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी पे सारा काम होता है, ठीक है। और ठीक है ये इतना बहुत है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में अगर कोई आपसे पूछे कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में क्या होगा, तो इंडस्ट्रियल में आपको पता है कि बहुत बड़ा बड़ा डिवाइसेस बनाए जाते हैं, अगर उसको सुरक्षा नहीं करेगा, उसको हम लोग मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का इंडस्ट्रियल में मॉनिटरिंग पर्पज से यूज किया जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग पर्पज से यूज किया जाता है। और बहुत सारे कुछ ड्राइंग पर्पज से, ड्राइंग मतलब क्या होता है किसी भी मतलब सुखाना होता है, किस चीज को अगर बना रहे हैं वो रॉ मटेरियल है तो उसको हम लोग ड्राई करते हैं, उसको ये करते हैं, तो ये सब चीजें के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोसेस कंट्रोल के लिए यहाँ पे उसे जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको किस तरह से कंट्रोलिंग करना है उसके भी हम देख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग प्रोसेस कंट्रोल। ये सारे अपने मन से चाहे तो ये सब एप्लीकेशन अपने मन से सोच करके समझ करके अगर आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज होता है। तो प्रोसेस कंट्रोल के लिए भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हीटिंग पर्पज से आपको बताया कि यहाँ पे घर में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल में हीटिंग के लिए यूज किया जाता है, मेडिकल में यूज किया जाता है, तो हर एक जगह इसको यूज किया जाता है।
तो लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल, ठीक है। और अगर बोले तो हाउसहोल्ड लिख सकते हैं। हाउसहोल्ड मतलब क्या होता है, घरेलू, मतलब घर के लिए जो कुकिंग पर्पस यूज करते हैं। तो यहाँ हाउसहोल्ड के बगल में कुकिंग भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम लोग कुकिंग भी लिख सकते हैं। तो इससे बेसिक चीजें जो है जो हम लोग देखें, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन चार नंबर में पूछा जाता है, व्हाट इज माइक्रोवेव, राइट इट्स एप्लीकेशन, ऐसा करके आपको पूछा जाता है चार नंबर में। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आई होप इतने एप्लीकेशन बता दे कि इसमें चार पांच एप्लीकेशन आप इजी वे से लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग ये देखें कि माइक्रोवेव क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोवेव देखिए, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव देखिए। अब एक इसमें बच गया हम लोग का हिस्ट्री ऑफ माइक्रोवेव। तो हिस्ट्री देखने के बाद हम लोग सीधा यूनिट टू पे हम लोग मूव कर जाएंगे। यूनिट टू पढ़ने के बाद यूनिट वन पे फिर से मूव करेंगे। तो कंबाइंड हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट वन और यूनिट टू, ध्यान दीजिएगा, यूनिट वन यूनिट टू कंबाइंड पढ़ने वाले हैं हम लोग। यूनिट वन एंड यूनिट टू, ये दोनों जो है हम लोग कंबाइंड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए यूनिट वन और टू कंबाइंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।